अमेरिका के टेक्सास में एक बार फिर गोलीबारी हुई है। टेक्सास में एक शॉपिंग मॉल में हुई गोलीबारी में 8 लोगों की मौत हो गई है। वहीं पुलिस ने शूटर को भी मार गिराया है। गोलीबारी में 7 लोग घायल हुए हैं, इनमें बच्चे भी शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि टेक्सास के एलन प्रीमियम आउटलेट्स मॉल में हमलावर ने गोलीबारी की। रिपोर्ट्स के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने संदिग्ध शूटर को मार गिराया है। घटना की कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इनमें खून से लथपथ लोगों को जमीन पर गिरे देखा जा सकता है। एक वीडियो में मारा गया हमलावर भी दिख रहा है। उसके शव के पास हमले में इस्तेमाल हुई बंदूक भी दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के अनुसार मॉल में मौजूद कई कर्मचारियों ने इमारत के अंदर शरण ली है। दुकानदार चिल ने एक स्थानीय समाचार स्टेशन को बताया कि जब गोलियां चली तो वो अपनी 79 वर्षीय माँ के साथ अंदर थे। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे तुरंत पता चल गया कि ये बंदूक की गोली थी। इसके बाद हम फर्श पर लेट गए। न्यूज डेस्क, अरर न्यूज़।